फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं द्विजा। क्या आपको एक डाउट है कि मैं मेरे न्यूबॉर्न बच्चे के साथ बाहर कभी घूमने के लिए जा सकती हूँ? बच्चे को लेके कार में ट्रैवल कभी कर सकती हूँ? क्या मुझे हर बार ड्राइवर या हस्बैंड कोई ना कोई और मेरे साथ में चाहिए, इसका कोई कंपल्शन है? द आंसर इज नो। आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानोगे बच्चे के साथ कार में ट्रैवल करते वक्त आपको कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती है, कौन सी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, प्लस एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि कार सीट क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे कार सीट को सिलेक्ट करना। आज हम लोग लव लैब के जॉय बेबी कार सीट के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये सारे फीचर्स बेसिकली आपको आइडिया देंगे, तो अगर आप मार्केट से कोई भी कार सीट सिलेक्ट करते हो तो आपको कौन से फीचर्स को देखना है, चलिए वीडियो को बताया। आप बच्चे को लेके कार में, बच्चा 0 मंथ्स का है, मतलब राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकते हो। कार में ट्रैवल करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कार में जब भी आप लोग ट्रैवल करते हो, अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स के अंदर है तो प्रिफरेबली ब्रेस्ट फीडिंग पिलो आपके साथ होना चाहिए, ताकि कार में जब भी आप बच्चे को फीडिंग के लिए लेते हो तभी आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन अचीव कर सको। दूसरा चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग पॉन्चो स्लिंग, जैसे माया द्विजा का पॉन्चो स्लिंग है, वैसे ही अगर आप फीडिंग एप्रन उसको बोलते हैं या फीडिंग पॉन्चो बोलते हैं, इसको अगर आप लोग कैरी करते हो तो हमेशा कार में विंडोज़ को ढकने का टेंशन नहीं रहता, आप बहुत आराम से कार के फ्रंट सीट पे या बैक सीट पे बैठ के ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। थर्ड थिंग, आपके पास यूजुअली बच्चे के लिए कोई ना कोई टीदर्स होने चाहिए, ताकि अगर आपका बच्चा बार बार उंगलियां मुंह में डालता है या बार बार बच्चा फिजड़ी हो रहा है या बार बार फीड डिमांड कर रहा है, तो आप लोग बहुत इजीली टीदर्स बच्चे के हाथ में दे सकते हो, ताकि बच्चा अपने आप खुद को एंटरटेन कर सके। चौथा चीज़, आपको बच्चे के कुछ रैक्टल्स या कुछ टॉयज़ आपके साथ हमेशा कैरी करना है, बिकॉज ये बच्चों को एंगेज रखने में हम लोग को हेल्प करता है। पांचवा चीज़, आप लोगों को इंश्योर करना है कि अगर आप कार में अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कार सीट होना चाहिए। जैसे कि यह है लव लैब का जॉय बेबी कार सीट, ये पर्सनली यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। यूरोपियन स्टैंडर्ड से जब भी हम लोग बोलते हैं, यूरोपियन सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिला है इसको, ये हम लोग को बताता है कि ये बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। मुझे लव लैब के कार सीट के कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये 0 to 4 ईयर के बच्चों के लिए सेफ है, up to 25 kg, ये कन्वर्टेबल है, ये रेयर व्यू में भी चलता है, ये फॉरवर्ड व्यू में भी चलता है। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि पहले 2 साल तक रेयर व्यू होना चाहिए बच्चों के लिए, और उसके बाद 2 से 4 साल के बीच में आप लोग फ्रंट व्यू रख सकते हो। करीब 25 किलो तक ये बहुत आराम से यूज़ होता है। इसका जो कुशनिंग और सॉफ्टनेस है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसका जो हेडरेस्ट है वो 3 लेवल में एडजस्ट होता है। इसको 5 पॉइंट सेफ्टी पॉइंट है, जैसे कि हार्नेस, लॉकिंग सिस्टम और बहुत अच्छे से क्वार्ट्ज का ग्रिपिंग। सो बहुत अच्छा 5 पॉइंट सेफ्टी सिस्टम है। हार्डनेस के लिए इन लोगों ने 3 लेवल एडजस्टमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग बच्चे के हाइट के हिसाब से इसको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, ताकि बच्चा उसमें बहुत कंफर्टेबली बैठ जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज एंटायर सॉफ्टनेस एंड सेफ्टी, जिसके लिए ये कार सीट सर्टिफाइड है। और एक फीचर जो सारे मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कवर बहुत इजीली निकल जाएगा तो आप उसको वॉश कर सकते हो। बिकॉज बच्चा कार में बैठा है, बच्चा कुछ निबल कर रहा है और बच्चे ने कुछ गिराया नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। सो कार सीट आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली उन मदर्स के पास जो अकेले बच्चे को लेके ट्रैवल करते हो। कुछ चीज़ें आपको कार सीट को लेके याद रखना है। इंश्योर करो कि कार सीट हमेशा विंडो सीट के यहाँ पे होनी चाहिए। बच्चा 2 साल के अंदर है तो रेयर व्यू, 2 साल के ऊपर है तो फॉरवर्ड व्यू। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है, जब भी आप बच्चे को कार सीट में बिठाते हो, आपको सेफ्टी के जो भी प्रिकॉशंस है वो बहुत अच्छे से एडजस्ट करना है, ताकि बच्चा बहुत कंफर्टेबली बैठ सके। बच्चा ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए कि वो हार्नेस बहुत ऊपर है, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हार्नेस कहीं पे नीचे लटक रहा है। परफेक्ट फिट इज जहाँ पे बच्चा बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको इंश्योर करना है कि आप कार सीट बहुत अच्छे से सीट बेल्ट में लॉक करो, ताकि वो सेफली अपनी जगह पे रहे और बच्चे को जर्क से बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तो आपके पास आइडियली फ्रूट निबलर्स होने चाहिए। ये आपको हेल्प करता है कि बच्चों को आप बहुत अच्छे से बहुत देर के लिए एंगेज रख सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों को याद रखना है कि आप जब भी बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल करते हो तभी आपके पास अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से फिंगर फूड होने चाहिए, कुछ टाइम पास फूड जैसे चुरमुरा है, लाही है, मखाना है, जो बच्चे को आप कुछ देर के लिए एंगेज रख सकते हो। उसी के साथ आप लोग नाचनी के लड्डू या नाचनी स्टिक्स या नाचनी कुकीज ऐसी चीज़ें भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये भी इंश्योर करता है कि बच्चे को थोड़ी देर एंगेज रखा जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार में जब भी ट्रैवल करते हो इंश्योर करना कि आप सिपर में बच्चे के लिए पानी कैरी करो, अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो, ताकि कार सीट में ही बैठे बैठे बच्चा बहुत अच्छे से पानी सिपिंग कर सकता है। बच्चे के लिए कंफर्टेबल कपड़े, बच्चे के लिए जो कोई भी बैग आप लोग कैरी करते हो, भले 2 घंटे का ट्रैवल है, 4 घंटे का ट्रैवल है, पूरा दिन का ट्रैवल है, आपको इंश्योर करना है कि बच्चे के बैग में डाइपर्स, कंफर्टेबली फिटेड डाइपर्स, एटलीस्ट 4 से 5 डाइपर्स, वेट वाइप्स, उसी के साथ बच्चे के लिए 2 और 3 चेंज ऑफ क्लोथ्स हमेशा आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल के दौरान प्रिफर करना कि आप कॉटन वाले कपड़े यूज़ करो। ट्रैवलिंग के समय बच्चों को डाइपर बार बार पहनाया जाता है, तो आपको चेक करना है कि अगर पॉटी हुआ है तो पॉटी ज़्यादा देर अंदर ना रहे, टाइम से वो सब चीज़ें क्लीन हो जाए। इसीलिए आप लोगों को क्विक ड्राई या ड्राई शीट आपके पास रखना ज़रूरी है, ताकि आप कार में भी बहुत ईजीली बच्चे के डाइपर चेंज कर सको। उसी के साथ आपके बैग में आपके पास एक कैरी बैग या थ्रोइंग बैग चाहिए, सो पॉटी किया हुआ डाइपर या कोई चीज़ अगर आपको वेट वाइप्स की जैसा फेंकना है तो आप उसमें डाल सकते। आपके पास बच्चे के लिए बिब होना चाहिए, जो खिलाते वक्त या बच्चा अगर ड्रूलिंग कर रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आपका कार का ट्रैवल ख़त्म हो जाएगा, आप लोग कार में से उतर जाओगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे, आपको बच्चे को कुछ देर के लिए डायपर निकाल के खुला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे को आप किसी भी रैशेस से बचा सको। ये सारे प्रिकॉशंस हैं और ये हो गए आपका बैक पैक गाइड, अगर आप बच्चे के साथ कार में ट्रैवल कर सकते हो तो इंश्योर करना कि आप ये सभी चीज़ें कैरी करो और आपका कार ट्रैवल बहुत ज़्यादा पीसफुल और आराम से इन्जॉय कर सको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आप में से किसी को लव लैप का जॉय बेबी कार सीट खरीदना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसको आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हो। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।